अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने गंदम का जो रेट है आवाम की सहूलत के लिए बेशक कम दिया है, मगर उस रेट पर जो गंदम है आवाम को नहीं मिल रही, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देती है मौजूदा महंगाई से। और जो रिलीफ हुकूमत आवाम को देना चाहे तो ज़खीरा अंदोज़ माफ़ी और दीगर माफिया जो है काबिज़ होकर आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँचने दे सकते। हुकूमत जो है इस हवाले से क्या कर रही है और आखिर क्यों जो है आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच रहा और आवाम कितनी परेशान है मौजूदा महंगाई से, और जिस तरह महंगाई का सिलसिला महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा, मजीद महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस तमाम सूरत हाल पर आवाम का क्या कहना है जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो गया। नाज़रीन शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है वहीं हुकूमत पंजाब जो है हमें महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। और जिस तरह आप गंदम की भी हम बात कर रहे हैं तो गंदम का रेट इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गंदम का रेट कम तो हुआ मगर गंदम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शहरी मौजूद है, बताएगा कि जिस तरह से गंदम का रेट तो सुनने में आ रहा है कि कम हो चुका है और लेकिन क्या गंदम मिल रही है उस रेट? भाई जान उन्हें कोई नहीं दे रहा, 4000 से कोई कम नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कोई गंदम कम नहीं हुई, हमें भान और सोना यूरिया सस्ता दे दे, हम गंदम सस्ती दे देंगे। रही रोटी की और खमीरी रोटी की, वो भी सस्ती नहीं मिल रही है, अपने रेट पर मिल रही है। जो रेट पहले 20 रुपये रोटी थी, 30 रुपये नान था, वही नान रेट चल रहा है। ना रोटी सस्ती हुई, ना गंदम सस्ती हुई, ना आटा सस्ता हुआ, गरीब आम के लिए कोई नहीं। सब्जी वो खाने जैसी नहीं रही है, आटा लेने जाओ वो नहीं मिलता, सिर्फ ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं कि हाँ जी हमने ये चीज़ सस्ती कर दी। हमें दिखाओ तो सही क्या चीज़ सस्ती कर दी, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है भाई, सिर्फ अल्लाह का नाम है। पहले हम कहते थे कि अपना जो है हुकूमत स्टेबल होगी, हुकूमत जो है आ जाएगी कोई, फिर जाके हालात बेहतर होंगे, मौजूदा हुकूमत नाकाम दिखाई दे। नहीं भाईजान कुछ भी नहीं होगा, नहीं ये हुकूमत नाकाम है, जिसकी हुकूमत है उसको देवे ताकि मुल्क चले। और ये बोल IMF से जिंदाबाद, IMF से कर्ज लिए जा रहे हैं, हमारे लिए मसला खड़ा करे जा रहे हैं। सुई गैस के बिल देख लो, लाइट के बिल देख लो, बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं हो रहे भाईजान। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं कि गर्मी में भरना कितना मुश्किल, वो भी मुश्किल है भाईजान। गैस के बिल देख लो, 5000 के आ रहे हैं इस मौसम में भी, और अभी तो लाइट के बिल का अल्लाह ही रहम करे, 3-4 रुपये चढ़ाए थे, वो 4 रुपये कम करके एहसान कर दिया आवाम के ऊपर जी, हमने बिल कम कर दिए लाइट के, लोगों के दिलों से तो पूछो जाके बेचारों के। लेकिन पेट्रोल भी जो है अब मजीद महंगा हो रहा है, कल परसों तक सुन रहा है 7-10 रुपये और इजाफा हो रहा है। LPG हमारी देख लो 300 का रेट चल रहा है, ये गर्मी में भी 300 रुपये LPG ले रहे हैं। कारोबार के हालात आपके सामने हैं जो हो रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। मजीद भी सवाल से शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं गंदम का, कहते हैं कि रेट तो सस्ता हो गया, क्या उस क्वान्टिटी में गंदम मिल रही है? नहीं, ऐसी गंदम नहीं मिल रही। पहले तो बात यह है कि गंदम वो दाना ही नहीं है, अगर जिसके पास गंदम है ना वो 4200 से 4400 से ऊपर रेट दे रहा है। आप ये बताएं कि एक तो गवर्नमेंट रेट नहीं है यहाँ पे, ना घी का है, ना आटे का है, ना गंदम का है, ना खाने में। ऊपर से जो ये बिजली के बिल, ये जो महंगाई किए जा रहे हैं ना, हम यकीन करें मैं रक्षा चलाता हूँ, मुझे खुद को भी समझ नहीं आती मैं कैसे पूरी, ये अल्लाह खड़ा जानता बनी कैसे पूरी दिखाई। सुबह 10 बजे गाड़ी निकालते हैं, रात को 10 बजे तक। अब आप खुद सोचे, जो हम 4 घंटे में 5 घंटे में बच्चों की रोज़ी करके चले जाते थे ना, अब वो रोज़ी नहीं है। अब मैं 16-16 घंटे ड्यूटी दे गए ना ईद के ऊपर, आप यकीन करेंगे ईद गुजारी है ना, अल्लाह अल्लाह करके गुजारी है, सारा दिन घर बैठ के गुजारी है कि यार कहीं जाएंगे देना आना पड़ेगा, लेना आना बहाना करके पड़े रहेगा, यार जी सम दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, 100 मसले मसाल करके बैठा। खुशियाँ जो है छीन ली गई हैं, महंगाई महंगाई, ये जितना भी कर्जा लेंगे ना, हम लोगों ने कर्जा ही होना है, क्योंकि एक दुनिया चली, हम मुल्क चली सूद पे रहा है, तो वो कैसी आज़ादी होगी? दूसरा फिर अपना कंट्रोल करना जो है, चेक एंड बैलेंस जो है हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का, मरीम नवाज साहिब वैसे तो बहुत मुतहरिक दिखाई देती हैं, कहती हैं कि हमने गरीब आवाम के लिए काम करना है, रिलीफ गरीब आवाम को देने, तो क्या समझते हैं क्या वो रिलीफ वाकई मिल भी रहा है आवाम? उसके बस की कहानी नहीं है, वो अकेले क्या करेगी, और नीचे का जो मिला सारा वो करीब हो ही रहे हैं। अब एक मरीम नवाज के गुफ्तगू सुन लो, वो कुछ और कहेंगे, ठीक है। अब जो नीचे का मिला, आप इन्हीं को देख लो, फ्रूट वाले को लिस्ट दे के जाते हैं, 20 रुपये की लिस्ट है, उसके बाद वो अमल दरामद होता नहीं फ्रूट के ऊपर भी। रमज़ान शरीफ में किसी और ममालिक में चलो जो रिलीफ मिलेगा, मिलता है ना रिलीफ, यहाँ पे ऊपर सीज़न लगाते हैं लोग, वो कहते हैं सीज़न है, जो खरबूजा चांद रात से एक दिन पहले रमज़ान से पहले 100 रुपये था, वो 200 रुपये किलो बिका, क्यों बिका है? कहाँ थे वज़ीर आज़म साहब? वज़ीर आज़म की क्या ड्यूटी है? क्या कंट्रोल रेट, हर चीज़ को कंट्रोल रेट करना है ना, खाने पीने के सिले आए पेट्रोल पर हर चीज़ के ऊपर करना है, तो हम लोगों के ऊपर तो चूड़ियाँ चल रही हैं खून के ऊपर। क्या समझते हैं कि जो अभी हालात हैं, इन हालात में आम बंदा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि आम बंदा जो है ये कहता था कि हुकूमत स्टेबल होगी, पॉलिटिकल हालात बेहतर होंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे।
अब तो हालात मजीद ख़राब होते हैं सर, ये मजीद और भी ख़राब होंगे। हमारे लोगों के ऊपर भी छुड़ियाँ चलेंगी। जो जितने बड़े हुक्मरान बैठे हैं इनको कहो ना कि अपनी जेब से निकालें, जो खाया है वो दें, कर्जा दें, अपनी जेब से निकाल के फिर लगाएं। इनके पास अगर ये दिल खोल के गरीब आवाम को तरस खाते हैं, ये कहते हैं ना भाई हम इनका भला करते हैं, तो यही ये कर्जा ये दे दें ना, अपनी जेब से दें, इमरान खान भी दें, तीनों बंदे मिल के दें, हुकूमत की है ना, ये दे के वो सूद माफ़ कराएं, फिर देखें हुकूमत कैसे चलती है। सर मैं ये बताएं कि जिस तरह से अब हालात जो हैं ये सियासतदान अपनी जेब जिस तरह से भर रहे हैं, तो आखिर में ये बताएं कि जो हालात इसमें क्या लग रहा है आपको कि जो अब हुकूमत है इस वक्त आटे की कीमतें कम तो हो चुकी है मगर उस हिसाब से आटा मिल नहीं रहा, रोटी की कीमत कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने 16 रुपए की रोटी कर दी है, तो ऐसे छोटे छोटे रिलीफ से क्या आवाम को कुछ फायदा नहीं मिले? नहीं मिले। पहला सवाल मैं आपको ये बताऊँ कि जो गंदम की रोटी दे रहे हैं ना, आप खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो इन्होंने आटा दिया है ना 10 किलो का थैला है ना, उसमें 2 से 2.5 किलो तो चोकर निकल रहा है, 10 किलो आइटम में 2 से 2.5 किलो चोकर निकल रहा है, तो आप मुझे बताएं फिर कौन सा रिलीफ है आप हमारे लिए दे रहे हैं? आप कह रहे हैं दो दो थैले दे रहे हैं, हम लोग सुबह 2.5-3 घंटे लाइन में खड़े होकर आटा ले रहे थे, आटा लेने के बाद जब हमें मिलता है ना ज्वेलरी स्टोर पर, वो कहते हैं 1000 रुपये का सामान और भी लो, हमने लिया दिया, लेने के बाद जब हमने आटे का थैला खोला ना, आटे का थैला आप निकाल के देखना 10 किलो के थैले में 2.5 किलो चोकर है, आप मुझे ये बताएं कि हमें क्या उनसे रिस्पॉन्स मिला? आधी दिहाड़ी भी हमने चट की ताज़ी करने वाले, 300 रुपये किलो गैस, 400 रुपये लीटर मोबलैल, उसके बाद बिजली के बिल, घरेलू गैस नहीं थी पूरे रमजान शरीफ में, एक टाइम आती थी एक टाइम नहीं होती थी, बच्चों को रोज़ा कैसे रखवाएंगे, पानी नहीं था घर के अंदर, जब लाइट ही नहीं होती तो पानी कहाँ से पूरा करेंगे? महंगाई में जो हालात हैं बदतर होते जा रहे हैं, आवाम जो है ये कहना है कि रिलीफ जो है हुकूमत को जो देना चाहिए था, जो हुकूमत पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि हम गरीब आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे और तमाम सूरत हाल में गरीब आवाम को सहूलत देंगे, मगर आप देखें आवाम मौजूद है हमारे साथ, यही कहना है कि जो आटे का रेट आप निकाल रहे हैं, ये जो सरकारी रेट आप दे रहे हैं उस रेट पर तो कोई देने पर तैयार नहीं है, उस रेट पर हमें मिल नहीं रहा, आपका कोई चेक एंड बैलेंस या कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट्स में, जिसकी वजह से हर ताजिर जो अपने मनमानी का रेट बेचता है उसके बाद जो तंग है वो कौन होते हैं? अब ये रक्षा ड्राइवर जो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 16-16, 18-18 घंटे रक्षा चला कर भी अपना अगर घर का सर्कल ना चला पाएँ, एक वक्त की रोटी पूरी ना कर पाएँ, तो इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है गुरबत की चक्की तले मजीद पिसती चली जा रही है और हुकूमत वक्त नाकाम दिखाई देती है। मजीद भी सवाल से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन जिस तरह से तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और जो अब हुकूमत वक्त है अपना उनने आटे का रेट तो दे दिया मगर उस रेट पर जो आटा है बाज़ारों में मिल नहीं रहा, आवाम बड़ी परेशान है और इस महंगाई में दिन ब दिन महंगाई और बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की मसनूआत में मजीद जो इजाफा एक्सपेक्टेड है, तो उस सूरत हाल पर आवाम जो है कितना परेशान है, कितनी तंग है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। करम है मालिक। बात कर रहे हैं कि आटे का रेट जो है कम हुआ, आटे का रेट जो है इस हवाले से जो है हमने देखा कि इस दफ़ा कम बाज़ारों में दिया गया हुकूमत की तरफ से, क्या उस रेट पर आटा मिल भी रहा है? नहीं नहीं नहीं, रेट उस रेट पे नहीं मिल रहा आटा, आटा तो उसी रेट पे 160 रुपये, वो मैंने बताया ना 1 लंबर 2 लंबर, जो 2 लंबर आटा है वो 150 रुपये है, जो 1.5 लंबर है वो 160 है, जो 1 लंबर है 170 है। और इसी तरह अगर गंदम की भी बात करें, अब गंदम का क्योंकि सीज़न आए तो तकरीबन 2900-3000 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, क्या इस गवर्नमेंट के रेट पे गंदम मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, 4000 रुपये, 4500 जो पुराना रेट है 4-4500 वाला, उसी रेट पर, उसी रेट पे मिल रही है 4500-4200 रुपये, वो देहातों में चले जाओ तो 4200 में, यहाँ शहर में 4500 रुपये मन गंदम बिक रही है, तो और यही तो आलम है, वो गवर्नमेंट पे कोई भी अमल नहीं करता, गवर्नमेंट तो ये बेचारी जो है ना बेबस है माफिया के हाथों में, तो क्या समझते हैं कि अभी अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का रेट कम कर भी दे तो क्या गवर्नमेंट जो है इसमें जो है कंट्रोल नहीं कर सकती रेट? नहीं नहीं नहीं, माफिया के हाथ में जो है ना, जो माफिया कहेगा ना वही होगा, माफिया बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े सरमायाकार हैं, उन्होंने रमजान शरीफ में पहले स्टॉक कर लिया, अब दुबई के अंदर ना 75% अपना मुसलमान मुल्क है ना, हम बाहर की बात ही नहीं करते, हमारा 75% रैत दी है उन्होंने, 75% यहाँ जखीरा अंदोजी पाकिस्तान में करके जो बड़े बड़े ताजरों ने तो उसको ब्लैक में बेचा, और रमज़ान शरीफ के महीने में, अब तक ये होना नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर इस पाकिस्तान के अंदर यही है, पाकिस्तान में चंद लोग हैं मगर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर हकीकत है ये जखीरा अंदोशी जो है ना काबू कर लें, माफिया को काबू कर लें तो गरीब खुशहाल हो जाएगा।
और हम पहले कहते थे कि हुकूमत अगर स्टेबल आएगी तो हालात बेहतर होंगे, हुकूमत की स्टेबिलिटी से कोई हालात में फ़र्क पड़ा? नहीं 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 सरकार, वो हालात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बंदा जो ना कहते ना मायूस होकर बैठ जाए, जो थक के बैठ गए, आवाम थक के बैठ गई है। हकीकत है बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं, सुई गैस के बिल वैसे ही आ रहे हैं, कोई नहीं रद्दो बदल हुआ किसी चीज़ में। अच्छा ये बताएं कि जो अब मामलात हैं इसमें क्या लगता है आपको, कोई आगे बेहतरी होती नज़र आती है? क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोली मसनूआत में इजाफा हो रहा है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, आगे महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हुकूमत जो है अब चेंज हो चुकी, स्टेबिलिटी आ गई, तो आगे कोई बेहतरी नज़र आती है? हालात बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे? नहीं नहीं, हालात बेहतर नहीं होंगे, सरकार हालात अल्लाह बेहतर करेगा। अभी देख लेना तुमने, जब कर्ज़ा मिलते ही है तो ये पेट्रोल का रेट और गैस का रेट, हर चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। और ये कर्ज़ा भी मिला ही कहाँ है इनको, तो कर्ज़ा नहीं, ये तो बस हर दफ़ा कर्जे, सारी ज़िंदगी कर्जे में गुजर जाएगी। मेरी 65 साल की उम्र है, मैं यही देखा कर्ज़े, जो भी हुकूमत कर्ज़ा, यार अपनी मेहनत नहीं कर सकते हम लोग? हम लोग अपने पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है, सरकार पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के अंदर इतना ख़जाना है, इतनी चीज़ें हैं, तांबा है, पित्तल है, गैस है, हमारा पाकिस्तान का गैस है तो हमें महंगा मिल रहा है। पाकिस्तान का चीज़ें होते हुए भी अपना गंदम आटा एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान, फिर भी जो चीज़ें एग्रीकल्चर की हमें यहाँ पर महंगी मिलेंगी, इसका हुकूमत का जो कंट्रोल है चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आप समझते हैं कि तमाम तरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सरकार की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और दूसरे नंबर पर हमारे अल्लाह यकीन करो, अगर मेहनत करें ना, हमें पेट्रोल भी मिले, तेल भी यहाँ हमने पाकिस्तान में निकले, मगर मेहनत नहीं करते हम, मेहनत करना चाहते नहीं। हम कहते हैं ना आँख लगे जब आँख खुले करोड़पति हो जाएं, जब आँख लगे तो अरबपति हो जाएं। ये सिलसिला हर बंदे का है, हमारा अपना भी कसूर है, हम ना शुक्रे हो गए अवाम का ख़ास तौर पर। यकीन करें अवाम भी अगर यही इल्तजा अल्लाह की बारगाह में झुक जाए ना, मस्जिद के अंदर ना, तो जैसे रमज़ान शरीफ आया, रमज़ान शरीफ में हर बंदे ने इबादत की है माशाल्लाह, ये बात नहीं है, हर क्योंकि इसे बरकत का महीना था, मगर यही हम सारे ये 25 करोड़ अवाम के अंदर से ना आधे अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, आधे खुदाई कसम अल्लाह की रहमत नहीं सुन ले। हमारे अपने अमाल ऐसे हैं तो जो लोग जो है ना अब हर बात पे झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, एक भाई भाई को बुरा कहते हैं। दूसरी बात, इतनी गुर्बत है, 7 बच्चे मार दिए एक ही बाप ने, वो दर्जी का काम करता था। इतनी गुर्बत है कि लोग अपने बच्चे तक जो है मार रहे हैं, और जो हालात है इसमें आवाम बड़ी परेशान है। आवाम का ये कहना है कि जो आप रिलीफ अगर आवाम को देना भी चाहे तो माफिया जो है आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंचने दे सकता, और माफिया को आप लगाम भी नहीं डाल सकते। जब तक आप माफिया को लगाम नहीं डालेंगे, माफिया को जो कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जो है हालात इस तरह से ख़राब तर होते चले जाएँगे, और जो है आवाम गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जाएगी, और आवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। और यही कहना है लोगों का कि तमाम तर सूरत हाल में जो है इस हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा। गंदम का आप रेट दे रहे हैं तो उस रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो उस रेट में अगर गंदम नहीं मिल रही तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। और आवाम का यही कहना है कि जो आपने एक रेट दिया उस रेट पर जो गंदम है नहीं मिल रही, माफिया जो है ज़खीरांदोजी कर रहे हैं और माफिया रेट को जो है उस पर नहीं स्टेबल होने दे रहा, तो आप माफिया को लगाम डालें, आप माफिया को जो है कंट्रोल करें। मगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये आपकी बहुत बड़ी नाअहली है। मज़ीद भी सवाल से लोग जो है उनसे बात करेंगे, जानेंगे और कितनी परेशानी है आवाम को मौजूदा हालात में, और जिस तरह आवाम जो है बहुत एक तो परेशान दिखाई देती है, और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या कोई बेहतरी भी आ सकती है? और जिस तरह से सर्दियाँ गुजर चुकी हैं, गर्मियाँ करीब हैं, तो गर्मियों में अब बिजली के बिल बे इंतहा आएंगे, और आवाम की इतनी ताकत नहीं होगी, आवाम की इतनी वसत नहीं होगी कि वो जो गर्मियों में बिजली के बिल हैं वो भर सकें। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम कुछ अपना गुजारा कर पाए, बिल भरना भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बाज़ारों का रुख करते हैं, अंदर भी जानते हैं कि कारोबारी हालात जो हैं अब कैसे हैं, क्योंकि हम पहले ये कहते थे जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं होगी तो कारोबारी हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। हुकूमत पंजाब में भी है, वफाक में भी है, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आवाम तक वो रिलीफ पहुंच भी पा रहे हैं, और क्या जो है आवाम उस रिलीफ से मुतमईन भी है? इस हवाले से जो है मज़ीद लोगों से जानते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं, जानते हैं अंदर बाज़ारों में कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से कारोबारी हालात हैं, लोग कितना परेशान हैं, जानते हैं इस प्रोग्राम में मज़ीद। लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहेगा।
नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में कारोबारी हालात के हवाले से भी बात कर रहे हैं और एक रेट जो गवर्नमेंट दे देती है क्या अपने रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवा भी सकती है और क्या उस रेट पर चीज़ें मिल भी सकती हैं। मज़ीद ताजिर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यही होता है जो रेट निकलता है ना, वो रेट कभी मार्केट में आवाम को अवेलेबल नहीं होता, वो रेट तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो आम ख्याल सी वाली बात है, ये देखिए भाई इतना रेट हो गया 3000 हो गया तो वो 3000 रुपये कहाँ मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तो ये जन आपके गवर्नमेंट अगर रिलीफ देना भी चाहे आवाम को तो क्या जो सामने फिर एक माफिया एक सरगर्म हो जाता है हर चीज़ में वो पहुँचने नहीं देता आवाम तक वो रिलीफ? माफिया मैं तो कैचर कहूँगा, जो कैचर कर रहे हैं ना चीज़ों को इनको पकड़ा जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए, ज़खीरा अंदोजी पर कंट्रोल करेंगे ना आप, फिर सारी चीज़ें आप आवाम तक पहुँच पाएंगी। बीच में जैसे कि कबूतरों का छप्पा होता है मारा और कबूतरों को ले गया, ये ऐसे हो रहा है बिल्कुल ना, उन पर कंट्रोल किया जाए। 3000 पर रेट है फिर नामुमकिन है, कहाँ आवाम पर बिल्कुल 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 4000 से 4500 से नीचे 4000 कम मिनिमम 4000 मिनिमम 4000 उसमें जाके मिल जाएगा। हर चीज़ का आटा दाल चीनी का रेट भी हम सरकारी देख लें तो तकरीबन वही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा वैसे पहले के मुकाबले में। कहते हैं कि अपना मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की कि 16 रुपए की जो है रोटी आवाम को मिलेगी, क्या ये कोई रिलीफ है? पहले कहीं 15 मिल रहे, कहीं 20 मिल रहे, 15 रुपए तक की वैसे भी कहीं ना कहीं मिल रहे, अब 16 रुपए मुक्ति। सर आप 10 रुपए की रोटी ले लें आप, लेकिन छोटा साइज़ होगा ना उसका, पेड़े का जो साइज अपना वज़न होगा ना वो कम होगा, वो 15 रुपए की रोटी मिल रही ले लें आप, लेकिन साइज़ छोटा है ना, जो तकरीबन मुनासिब साइज़ जो है ना वो 20 रुपये की मिल रही है पूरा, पहले पूछ रहे हैं वो कि 15 वाली चाहिए कि आपको 20 वाली चाहिए, कौन सी आपको ज़रूरत है बता दें, वो छोटा पेड़ा होगा 15 का, बड़ा पेड़ा 20 रुपये का होगा। क्या समझते हैं कि अभी जो हालात हैं इनमें कारोबारी हालात किस तरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम कहते थे कि स्टेबिलिटी जो है हुकूमत की आने के बाद जो है चीज़ें बेहतर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला, पेट्रोलियम मसनूआत में तो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और बिजली के बिलों में भी इजाफा होता जा रहा है, ये चीज़ कितना अफेक्ट कर रही है कारोबारी हालात? सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कारोबार पर ना, ज़ाहिर ये चीज़ें महंगी होंगी तो ज़ाहिर जो अपना सामान है खुर्दनोश के अलावा जो और चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम के इस्तेमाल में, वो इसकी पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से प्लास्टिक के शॉपर हो गए फलां चीज़ हो गई, ये इसी वजह से बढ़ रहे हैं रेट उनके ना, अब 550 रुपये किलो शॉपर लेकर आ रहे हैं, लेकिन जनाब बंदा दो शॉपर दे दो भाई, एक और शॉपर दे दो, क्या करें कहाँ जाएँ आप, 5000 रुपये के शॉपर आ जाते हैं सीज़न के दिनों में ना। सेल का इस टाइम क्या ग्राफ रहा? सेल का ग्राफ तो इस दफ़ा अच्छा रहा माशाल्लाह, गर्मियाँ जो है अभी जो सीज़न है, ईद 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 भी निकले तो ईद पे सेल होता है ना मेरे पास। सीज़न जो होता है वो हमेशा से होता है कॉटन का ज़्यादा सीज़न है हमारा ना, हम तो अपने वाले से बात करेंगे ना, अब ये चलेगा तकरीबन बकरीद के बाद तक ये सीज़न थ्रू आउट चलेगा, देखिए अगस्त तक चलेगा ये हमारा ना कॉटन, तो ये अच्छा रहता है हमारा जो सेल परचेज है गुजारेबल हो जाता है। ये बताएँ कि बिजली के बिल मज़ीद अभी ताजिर हजरात के लिए कितना मुश्किल है बिजली के बिल भरना, पिछली गर्मियों में तो लोगों ने रोड पर निकले थे बिल जला करो, देखें बात करें तो ताजिर हजरात बिल भर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको दिए जा रहा है, कारोबार उनका बढ़ रहा है, सेलें हो रही हैं, बिजली का बिल भर, असल मसला जो घरेलू बिल है ना वो है, घरेलू बिल भरना जेब से, वो तनख्वाह 15000 है, 12000 है, दो बच्चे हैं, किराए का घर है, मसाइल उनके लिए हैं। आखिर में क्या मुतालबा रखेंगे इंतजामिया हुकूमत के सामने, क्योंकि हम कभी नहीं रखते, हम तो ये सिचुएशन कर दे सकते हैं, अच्छी अच्छी काम जो जो निगरान गवर्नमेंट ने चीज़ें शुरू की थी ना उनको कंटिन्यू किया जाए, स्मगलिंग वाला काम, ज़खीरांदोज़ी वाला काम, ये अख़वानी वाला काम, ठीक है ना, ये और जो मिनरल्स आपके हैं जो ज़खायर आपके मुल्क में पड़े हुए हैं उनको निकाला जाए, उससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। जो निगरान सेटअप का वो जो इकदाम थे वो काफ़ी बेहतर थे और ताजिर बिरादरी के लिए भी सेटिस्फेक्शन थी लोगों में और वो चीज़ इनको कंटिन्यू करनी चाहिए थी। अच्छा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिन से टीवी नहीं देख रहा, ये अख़वानियों की क्या पोजीशन है, सर भेज रहे हैं इनको या रोक लिया काम को? काम वगैरह तकरीबन सारा रुका पड़ा, उससे फिर और भी ताजिर हजरात जो मतलब जिनका इम्पोर्ट नाज़रीन जिस तरह भी बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम ने कि सरकार रेट तो दे देती है अपना मगर अपने रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना और तमाम तर सूरत हाल में आवाम को रिलीफ देना और आवाम तक रिलीफ पहुंचाना जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है हमारी सरकार को। और जिस तरह से हम माफिया की भी बात कर रहे हैं कि हम हर चीज़ में, अब जिस तरह गंदम का अगर सीज़न चल रहा है तो उसमें भी जो ज़खीरा अंदोज़ माफिया है सरगर्म हो जाएगा और तब जो आवाम है उस तक जो कोई भी सब्सिडाइज प्रोडक्ट है या रिलीफ जो गवर्नमेंट देना चाह रही हो पहुँचने
नहीं दिया जाता। तमाम तरह सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करते हैं ताजिर हजार से, जिस तरह से बात कर रहे हैं हम कारोबारी लिहाज से भी हम बात करेंगे कि अब कारोबार के क्या हालात रह गए, क्योंकि हम कहते थे कि स्टेबिलिटी आने के बाद गवर्नमेंट में जो हालात हैं कारोबार के वो भी स्टेबल हो गए, मगर दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, पेट्रोली मसनूआत जो हैं अब बढ़ती चली जा रही हैं, सेल परचेज का जो ग्राफ है डाउन होता चला जा रहा है। ताजिर आज़ाद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल में अभी सरकार ने अपना गंदम का रेट दिया, दीगर चीज़ें आटा दाल चीनी किसी चीज़ का भी अगर रेट जो सरकारी रेट होता है, क्या मुश्किल समझते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोही टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ताजिर जो हैं वो माशरे में मुल्की मीशत में रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं और इनकी हैसियत जो है वो मुसलिमा है और इन्हीं की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा सर्कल में आता है और तरक्की का जो ग्राफ है वो ऊपर होता है, माशरे में भूख मिटती है और तजारत जब फलती फूलती है तो मुल्क में उसके असरात नज़र आते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे तो हकूमती दावों ऐलानात पर यकीन ही नहीं आता। वो जो ऐलानात होते हैं, दावे होते हैं, वादे होते हैं, मैं समझता हूँ ये लॉलीपॉप है। आप किसी को फौरी तौर पे, कोई बच्चा रो रहा है ना तो आप एक लॉलीपॉप दे दें वो चुप कर जाता है, तो ये लॉलीपॉप है। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ये हुकूमत जो अभी नई मुंतखब हुई है और अभी इसको महीना भर हुआ है और अभी ईद भी गुजरी है, हम जैसे होता है ना आप किसी के पास जाए ना कहते ईद के बाद देखेंगे, रोज़ों के बाद देखेंगे, तो रोज़े भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई, अब मामूलात ज़िंदगी को आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो महंगाई का जिन है ये काबू में नहीं आ रहा। उसकी जो डाउन डेप्थ में जाए ना, किसी चीज़ का मतलब ढूंढना हो, मायनी ढूंढना हो, उसकी गहराई में जाए तो पता ये चलता है हुकूमतें संजीदा ही नहीं है, या एक बड़ा माफिया अभी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, हमारे तजारत पेशा लोगों में भी हैं, ज़खीरानंदोज़ हैं, यानी कि जब कटाई का फसल का मौसम आता है चाहे वो कपास की हो, गंदम की हो, गन्ने की हो, कमाद की हो, तो ये माफिया एक्टिव हो जाता है, ये अपना रेट देता है और सरकार कुछ कहे, सब्सिडी दे रही हो, तो ये माफिया सरकार के ऐलानात दावों और नारों को भी मट्टी में डाल देता है। क्या इस माफिया को लगाम डालने में हमारी हुकूमतें नाकाम? देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जब सियासत की तरफ आप नज़र डालें तो आप देखें इसमें ताजर पेशा जो हजरात हैं, तजारत पेशा जो हजरात हैं, वही हुकूमतों में होते हैं, हुकूमतें बनाने में हुकूमतों को बनाने में भी उनका किरदार होता है, या जागीरदार है या सियासतदान जो हैं वो ताजर हैं, सियासतदान या ताजर हैं या जागीरदार हैं, ये लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सियासत को ज्वाइन करते हैं और फिर ये अन्नी पा देते हैं, आपने सुना ना अन्नी पा देना, तो ये अन्नी पा देते हैं, ये इलेक्शन पे पैसा खर्च करते हैं टिकट लेने के लिए, कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए, फिर वजीर बनने के लिए, फिर कोई सैनिटर बनने के लिए, फिर किसी कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर ये जब हुकूमतें खड़ी हो जाती हैं, कायम हो जाती हैं, कुछ काम करना होता है तब ये वो अपनी कमाई शुरू कर देते हैं, तो अवाम का दर्द किसी के अंदर नहीं है। मैं तमाम के साथ कहता हूँ ये 25-30 करोड़ अवाम जो है ना, ये हजूम है, भेड़ बकरी हैं, एक बड़ी क्लास है, ये 4-5% लोग हैं जो आपको मार्केटों में, प्लाजों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, मरी में, नथिया गली में, कलाम में, स्वाद में, स्कर्दू में नज़र आते हैं, ये 5-7% क्लास है, बाकी की जो 93% है उसमें आप एक क्लास और है उसको मुतवसत तबका कहते हैं, जिसको आप सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, यानी मिडिल के जो लोग हैं तो मुतवसत तबका स्टैंड कर रहे हैं आपके नज़र, वो सर वो तो बिजली के बिल भर रहे हैं, वो तो गाड़ी में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, स्कूल की बच्चों की फीसें हैं, तो मैं ये इन द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि अवाम का दर्द किसी के अंदर नहीं है, वो हुक्मरान हमें उमर जैसे नहीं मिलते, उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे नहीं मिलते, अबू बकर सदीक, उस्मान और अली जैसे नहीं मिलते, वो ताजर चाहिए जिन्हें आवाम का दर्द हो, जो बैतुल माल से एक रुपया लेना भी, एक आना लेना भी हराम समझते थे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेने को पसंद नहीं करते थे, मजूर हमारे जो हुक्मरान है ना वो बिल्कुल हजरत अबू बकर की तरह रज़ी अल्लाह तआला की तरह एक दिन की उजरत से ज़्यादा पैसे वापस करने वाले बन जाएँ, बैतुल माल से कुछ ना लेने वाले बन जाएँ, तो फिर ये को मसला, मैं तो ये समझता हूँ ये जो नई हुकूमत आई है मरकज़ में पंजाब में, इनको तो चाहिए था ये जितने तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, अपने बच्चों को उनका सरकारी स्कूलों में बिठा लेते और ख़ुद ट्रेन पे सफ़र करते और जहाज़ में इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते और अपना इलाज अस्पतालों में करवाते, यही सरकारी अस्पताल, आप देखें मुल्क कैसे काया पलटती है। और आखिर में
क्योंकि जिस तरह से अब कारोबारी हालात भी बहुत ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट का जिस तरह रेट की भी हमने बात की कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कंट्रोल जो है गवर्नमेंट हर उसमें। अभी इसी तरफ आना चाहता था कि जब ये कहते हैं ना कि हम पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, जब ये कहते हैं ना मरकज़ में भी हमारी हुकूमत है, तो भाई कुछ करके भी दिखाओ ना, खाली दावे खाली ऐलानात। आप आवाम का दर्द अपने अंदर महसूस करें और आज से वो मजिस्ट्रेट नाफिज कर दें। आपने कहा 16 रुपये रोटी होनी चाहिए, आपने कहा ना 3900 रुपये गंदम होनी चाहिए, हैं आपने कहा ना आटे का थैला 1800 रुपये में होना चाहिए, ठीक है आप फिर उसको अमल दरामद करके दिखाएं और जो नहीं मानता उसको अंदर कर दें। आप आवाम दुश्मनों को भी जेल में डालें, आवाम दुश्मनों को भी घसीटें, सड़कों में ले आएँ, ऐलान करें ये चौक में ये बंदा जखीरंद हो जाए, इसने घी छुपाया हुआ है, इसने चीनी छुपाया हुआ है, इसने चावल छुपाया है, इसके गोदाम भरे पड़े हैं। सर ये जो हुकूमती मशीनरी है ये किस काम के लिए है? ड्राइंग रूम में बैठने के लिए? ये डीसी को तो चौक में होना चाहिए, कमिश्नर को तो किसी चौराहे में खड़े होना चाहिए, आवाम से पूछना चाहिए है आपको कोई जरूरत। वो हुक्मरान थे जो कहते थे कि कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, यहाँ तो भूखों प्यासों की कतार है, लंबी कतार है, हुजूम है, आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं आप? सर अगर तो जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी एलीट क्लास है, वो आवाम के लिए हमदर्दी का जज्बा, एहसास का जज्बा, इसार का जज्बा रखे और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नाफिज करें और शिकंजा कस दे उन लोगों के लिए जो मुल्क को तिजारत को नुकसान पहुँचाते हैं, जो लोग अपनी तजोरियाँ भरते हैं फिर उम्रे करने जाते हैं फिर हज करने जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करें। ऐसी ऐसा निज़ाम बन जाए, मैं कहता हूँ अब तो आंखें तरसती हैं ऐसी निज़ाम को देखने के लिए कि जिसमें हर एक को इंसाफ मिले, सबको मुसावी हकूक मिले और लोग रोटी को तरसे नहीं, वो लोग भूख से मरे नहीं। तो बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ कि आवाम जो है, सर आप यकीन करेंगे मैं 20-25 रुपये में एक रोटी लेके आता हूँ जब घर में, तो मैं देखता हूँ इसमें 25 रुपये का है क्या, कुछ भी नहीं है। 35-40 की रोटी कह रही है मरियम नवाज साहिबा 16 रुपये की, कहीं तो पूछते हैं। मुबारक करे वो चाहे तो, देखे मरियम में एनर्जी है, तवानाई है, वीएन है, मगर वो सारा इस बात पर ना हो कि वो खुद नुमाई में लगे रहें, अपनी शो मारते रहें। उनको चाहिए कि वो वजीर आला होते हुए पंजाब में बिल्कुल काया पलट दें, यहाँ के निज़ाम को साफ सुथरा कर दें, तजावजात ख़त्म कर दें, हाँ जी शॉपर पर पाबंदी लगा दें, हाँ जी तंदूर पर साफ सुथरी अच्छे आटे की, सर बिलीव मी 25 रुपये में भी जो आटा रोटी लेके आता हूँ उसमें गंदम का आटा पूरा होता ही नहीं है सर, उसमें भी चावल पीसे हुए होते हैं, उसमें भी अरारोट मिलाया हुआ होता है, वो भी खालिस रोटी नहीं होती। तो करप्शन हम सब के अंदर खुद भी कूट सर, वो ये वो तब होगा ना जब नीचे से निज़ाम ठीक होगा, ऊपर से सख्ती हो, पाबंदी हो, बंदिशें हों, जेल हो, जुर्माना हो। यूरोप में लोग सड़क पर क्यों नहीं थूकते सर, वो शॉपर क्यों नहीं फेंकते सड़क पर, रैपर क्यों नहीं फेंकते, लेस का ही है उसका, वो इसलिए नहीं फेंकते, उन्हें पता है $500 जुर्माना होगा। ये हम जेबरा क्रॉसिंग से नहीं चलेंगे तो हम पे $1000 होगा, हम स्पीड से बढ़ेंगे तो हम पर $5000। वो जुर्माने के खौफ से, सजा के खौफ से ईमानदार बने हुए हैं, मुनज़्ज़म बने हुए हैं। हम पे भी हम भी लाठी वाले लोग हैं, हमें भी डंडा हो हमारे ऊपर के, हमें भी जहाँ भी हो हम डिसिप्लिन के पाबंद हों, नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हों, मिलावट जहाँ ख़त्म हो, वहाँ खालिस दूध मिलता है यहाँ भी मिल सकता है सर। सिर्फ हुकूमतों को सिर्फ कानून नहीं बनना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जिस तरह से नाज़रीन आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने बात की, सिर्फ कानून जो है बनाना हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, उस पर अमल दरामद करना भी जो है हुकूमत का फ़र्ज़ है। और जब तक आप अपना कोई किसी चीज़ में भी जो रेट आप दे रहे हैं गंदम की, हम जिस तरह से आज के पूरे प्रोग्राम में बात की, जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और इस वक्त आवाम जो है गुरबत की चकी तले, मेजॉरिटी हमारी आवाम ऐसी जो पिस चुकी है, जिसकी बस हो चुकी है, और उस आवाम के लिए खुदारा कुछ करें और जो आप रिलीफ आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं इस जो ज़खीरा अंदोज माफिया है, इसके खिलाफ जब तक क्रैक डाउन और बड़े ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे शायद आवाम को वो रिलीफ ना मिल पाए। मजीद भी आवामी मुश्किलात टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।